तो विरूपक्ष टेम्पल के बाद हम लोग आए गणपति मंदिर के यहाँ पे। so वो थोड़ा वहाँ से कुछ 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग अभी ये डोर्स दिख रहा है ना, ये रॉयल एंट्री देने का रास्ता है। ओके, सो महादोरा, सो 4 एंट्रेंस, और ये डोर के अंदर से हम लोग जाना पड़ेगा। हम लोग जो कॉमन पीपल मंदिर के अंदर दर्शन पे है ना, और रॉयल फैमिली दर्शन लेने के लिए टोटल सिंगल रॉक मेड है 18 फीट। द ब्यूटीफुल स्टैचू है ये मंदिर के अंदर, जो ये 14th century में देवराय के कालमान में निर्माण किया, और ये राजा लोग का परिवार यहाँ पे दर्शन करके विघ्न विनायक का बाद विरूपाक्ष मंदिर जाना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे कडले कालू गणेश नाम क्यों मिला आपको अंदर दिखा के एक बताऊंगा। रामायण में मातंगा मामुनि का पर्वत है, मातंगा महर्षि का, और ये है ऋषिमुख पर्वत। दोनों पर्वत दिखेगा, विजयनगर में एक 5 पर्वत है। सो यहाँ पे हेमकूट पर्वत, माल्यवंत पर्वत, ऋषिमुख पर्वत, अंजनाद्रि पर्वत और माल्यवंत पर्वत, ऐसे 5 पर्वत था शिवपुराण रामायण में। रॉयल फैमिली दर्शन लेने के लिए और 18 फीट का गणेश बनाया। सो यहाँ पे बहुमनी सुल्तान लोग वार करता है ना 1565 में। सो ये सनातन धर्म का स्टैचू है, और ये अलंकारिक रूप दिखता है, और ये पूरा खंडित करके रखा है बहुमनी सुल्तान लोग। सो अभी सनातन धर्म में एक मूर्ति भिन्न हो गया तो पूजा नहीं होता है, बराबर। सो बाद यहाँ पे 1956 सर्वे ऑफ इंडिया रिनोवेट स्टार्ट करता है, ये पूरा निकालेगा, वर्क स्टार्ट करता है। जब ये गणेश का नाम रखा है कडले कालू गणपा। सो कडले काल का मतलब है कडले काल, यस कडले काल। सो कडले काल का मतलब है ना सेंग धान, मूंगफली हम लोग बोलते हैं ना। सो मूंगफली गणेश मतलब वो पेट दिख रहा है ना, सेंग धान जैसे खंडित करके रखा है, उसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया रखा है कडले कालू गणपा। तो ये 18 फीट हाइट वाला गणपति एक्चुअली बनाया था काफी पुराना। कभी बनाया था भाई? 14th century। यस, देवराय वाइल्ड फैमिली पूजा करने के लिए। तो इसको ये गणपति का नाम है कडले काल गणपति। हाँ, मूंगफली, मूंगफली। हाँ, कडले काल का मतलब मूंगफली, पीनट्स। और ये इजिप्शियन वुमेन। ओके, सो इजिप्शियन वुमेन यहाँ पे देख सकते आप लोग, सुग्रीव कार्विंग्स, और ये हनुमान जी। सो हनुमान जी का कार्विंग है, और वहाँ पे टोपी वाला, डैडी वाला ड्रमिंग बजा रहा है ना मंगोलियन, तो उसके बाजू में फर्शियन देख सकते हैं। सो ये लोग कैसे क्यों यहाँ पे आता था? हॉर्स सेल करने के लिए। विजय विठ्ठल टेम्पल के पास चाइनीज, मंगोलियन, पोर्चुगल लोग घोड़ा बेचने के लिए आएगा। सो यहाँ पे बार्टर सिस्टम था। विजय विठ्ठल टेम्पल के पास घोड़ा बेचना है, और विरूपाक्ष टेम्पल के पास आके सोना चांद लेके जाना है। बार्टर सिस्टम, देने का काम लेने का काम। फर्शियन मंगोलियन ले लोग विजयनगर के अंदर फॉर्मेशन देने के लिए आता था। सर हम लोग नेक्स्ट जाना है बड़ाविलिंगा, महादेव का पिंड है 12 फीट का। ओके, और नेक्स्ट जाने वाला है लक्ष्मी नरसिंह स्वामी, 22 फीट सिंगल रॉक मेड। तो अभी हम लोग ने 2 मॉन्यूमेंट्स देखे हैं, अभी हम लोग तीसरे वाले मॉन्यूमेंट्स के पास जा रहे हैं। और अभी कुछ बजे, 1:30 बज चुके हैं ना, 1:30 बज चुके। हम लोगों ने खाना पीना कुछ नहीं खाया, बट एक लकीली हम लोगों ने गाइड लिया, बहुत अच्छा किया। बिकॉज यहाँ पे ना आप आओगे, कितना भी कोशिश करोगे हिस्ट्री बताने की, लेकिन अपने को लिमिटेड नॉलेज है। इनके पास से बहुत नॉलेज मिलता है, कि ऐसी चीज़ें बताते कि अपने को पता नहीं होती है। तो अभी आगे भी 2-3 मॉन्यूमेंट्स और देखने हैं, उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे। तब तक अपनों ऐसे भाई इतने दूर से आया तो भाई खाने का मन नहीं है, क्योंकि पहले देखना है तो टाइम। एक्चुअली खाने का वैसे ही मन नहीं, प्यास लग जाती है बार बार, दो दिन से भूख मर गई है। और यहाँ पे ना हर एक मॉन्यूमेंट्स के बीच में कम से कम 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उसके हिसाब से भी प्लान करना पड़ता है। एक्चुअली टाइमिंग गलत हुआ है, हम लोग इतने धूप में आए ना, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, शायद अपन जल्दी ख़त्म कर सकते थे। सुबह उठते थे अगर जल्दी तो हाँ आ सकते थे, लेकिन हम लोग भी क्या करें, नींद ही कम्प्लीट नहीं हुआ 2 दिन से, 4 घंटे सोए खाली 2 दिन में। महादेव का पिंड है 12 फीट का, साउथ इंडिया में 2nd biggest है, फर्स्ट तमिलनाडु तंजावुर में है, वो 15 फीट का है, और ये 12 फीट का। सो ये बड़ाविलिंगा मतलब एक गरीब लड़की ने विजयनगर साम्राज्य में भिकाटन करने का बाद, और वो भिक्ष में मिलता है ना वही पैसा से ये शिवलिंग स्थापन किया एक गरीब लड़की ने, वो
उसके लिए बडवी का मतलब गरीब। और हम लोग प्रेजेंट है ना, ये महादेव का पिंड के ऊपर कॉइन डालता है मन्नत के लिए। ओके, सो वो कॉइन नीचे गिरेगा, पानी गंदा होता है स्टील कॉइन से। सो राजा लोग पूजा करने का टाइम पे कॉपर डालता था, सो कॉपर नीचे गिरेगा, वाटर प्यूरिफाई होता है। सो अभी प्रेजेंट 60 इयर्स से, सो एक 100 इयर्स तक सीनियर सिटीजन थी और वेरी फेमस फोटो वायरल हुआ और यहाँ पे पूजा करता था टोटल। सो 60 इयर्स से पूजा करता था, सेकेंड कोविड आने के बाद वो मर गया और उसका बेटा ने अभी तक कंटिन्यू पूजा कर रहा है। सर लक्ष्मी नरसिम्ह, जस्ट नरसिम्ह नय और हंग्री नरसिम्ह नय याके। सो विष्णु का फोर अवतारे योग लक्ष्मी नरसिम्ह, वेरी फेमस किंग कृष्ण देवराय रूलिंग करने का टाइम पे 1528 में आके आंध्र प्रदेश एक ब्राह्मण आएगा, उसका नाम है कृष्ण आर्य भट्ट। और वो आने के बाद यहाँ पे स्टोन रहता है, प्लेन स्टोन को कार्विंग बना के रखा है, योगा और योगा स्टाइल में देखने के लिए मिल रहा है। लेफ्ट शोल्डर में लक्ष्मी देवी का हैंड है और नरसिम्ह ऊपर का शेषनाग, ऊपर का प्रभावली, साइड पे मकर तोरण, द ब्यूटीफुल कार्विंग्स, ऊपर का उड़नता ये उड़नता टॉप में, और यहाँ पे आके द ब्यूटीफुल अलंकारिक था, सोना चांद से अलंकारिक किया था। द 1565 द बहुमनी सुल्तान लोग ये ज्वेलरी निकालने के बाद ये पूरा आइडल ध्वंस करके ऊपर का उड़न नीचे गिरा के आग जला के रखा है, फायर। अभी नेक्स्ट जाने वाला है रॉयल सिटी एरिया। ओके, सो ये रॉयल पैलेस और वहाँ पे लोटस पैलेस, रॉयल पैलेस तो हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा, पूरा सैंडल वुडन बिल्ड करके रखा था। सो हम लोग स्टार्ट होता है अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल और लोटस पैलेस, हजार रामा टेम्पल, रॉयल एनक्लोजर, रानी का स्नान गृह। सो वो एरिया पूरा यहाँ पे से 4 किलोमीटर है। अभी हम लोग जाने वाला है लोटस पैलेस। ऐसा हमको देख के कर रहा है, वाओ। वेरी गुड, उसमें डाल लो सर, उसमें ही डालने का सर, अदर लेको मड़ी हो गया सर। शाश्वत गणेश ले लेके हम लोग 83 मॉन्यूमेंट्स yes. और यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया है ना, सो पूरा एक्सक्यूवेशन करके रखा है। और हम लोग देख सकते हैं विरूपाक्ष टेम्पल द 5। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिख रहा है ना हम लोग बडवीलिंग लक्ष्मी नरसिम्हा और सॉरी सो ये है क्या कि शाश्वकाल हेमकूटा ग्रुफ ऑफ और यहाँ पे कडले काल 3 देख के आया। अभी हम लोग यहाँ पे नरसिम्हा और बडवीलिंग देख के 46 पॉइंट में आया, जनाना एनक्लोजर, ओल्ड कड़ी नीम का ट्री। सो हम लोग प्रेजेंट आए हैं ना, सो ये पूरा फोर्ट वॉल है सर, आप लोग देख सकते हैं फोर्ट वॉल 30 फीट द हाइट। सो ये है 3 नाम से जानते हैं पैलेस का, लोटस पैलेस, जनाना एनक्लोजर, रानी का महल। और जनाना एनक्लोजर मतलब फर्शन वडे, रानी का महल उसका मतलब है। हम लोग रॉयल पैलेस देख के आया और वहाँ पे राजा लोग वार के लिए जाने के बाद और वहाँ पे से रानी लोग यहाँ पे आता था प्रोटेक्ट के लिए। सो यहाँ पे टोटल लेडीज सोल्जरीज था, उसके अंदर हिजड़ा लोग भी था। और यहाँ पे जेंट्स को अलाउड नहीं है, जो जेंट्स को अलाउड करेगा ना मार सकता है, सोच के यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं था। और मंगलमुखी हिजड़ा और यहाँ पे रानी लोग का सखी और 2 आर्किटेक्ट, इंडो सरसोनिक आर्किटेक्ट। इंडो मतलब हिंदू धर्म जैसे दिखेगा, नीचे का है सर्व धर्म समझ जैसे सरसोनिक और 2 आर्किटेक्ट। सो यहाँ पे लोटस फ्लावर मतलब एक लोटस फ्लावर जैसे दिखेगा। एसी रूम सेम्बर के टाइम पे वहाँ पे बावड़िया है और वहाँ पे एक बावड़िया है वेल, जो वेल के अंदर से वो पे
ऊपर लेके जाएगा, टॉप में सिकर दिख रहा है, उसके नीचे वाटर टैंक है और उसके अंदर पानी डालेगा ना, मट्टी का पाइपलाइन है नीचे, वो खोलने का बाद स्लोली से पानी आएगा ना, हवा की वजह से सिंक होता है। वो पानी उधर से ऊपर कैसे जाता है? लोग लेके जाता था। अच्छा, लोग लेके आइडिया है वहाँ पे ऊपर जाने के लिए। अच्छा, सो वो पाइप खोलने का बाद हवा की वजह से सिंक होता है ना, जब ठंडा रहता है, सो द मीटिंग हॉल और रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे एक वेल है, आजा, एक बावड़ी है, बड़ा सा नहीं छोटा सा है, पानी है एकदम छोटा, थोड़ा सा पानी है। यहाँ पे भी एक है, इतना बड़ा। ओह माय गॉड, ओह खतरनाक यार। द एलिफेंट स्टेबल, रॉयल एलिफेंट स्टेबल। सो रॉयल एलिफेंट्स मतलब राजा लुक के लिए फेस्टिवल, और यहाँ पे मंदिर जाने के लिए, और इम्पोर्टेंट एलिफेंट था लवेन एलिफेंट। सो लवेन एलिफेंट रहने के लिए लवेन रूम है यहाँ पे, एलिफेंट स्टेबल, और वहाँ पे क्वार्टर्स दिख रहा है ना, वो माहूत लोग का क्वार्टर्स है, जो माहूत लोग रहता है ना, एलिफेंट का ड्रॉयर माहूत, हाथी से इम्पोर्टेंट और राजा से इम्पोर्टेंट माहूत लोग के लिए। सो माहूत लोग को रहने के लिए वो घर है सर, कोटरा। ये ना, ये जो ऊपर जो होल्स है ना, वो एक्चुअली अंदर हाथी रहते थे ना पहले, तो उनके वेंटिलेशन के लिए ये होल्स है। हाथी जाएगा, बहुत बड़ा है तो आराम से आराम से। तो यहाँ पे पहले हाथी होते थे, हाथी के रहने की जगह है एक्चुअली, और ऊपर जो छोटे छोटे होल्स है बाहर से दिखते एक्चुअली, तो वो वेंटिलेशन का काम करते थे हाथी के लिए। रॉयल लोगों की रॉयल बात है भाई, हाथी भी ऐसी जगह रहते थे। अभी तो लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। यहाँ पे हाथी रहते थे और हाथी के ड्राइवर यहाँ पे रहते, मतलब हाथी को चलाने वाले। और ये महादेव का मंदिर है। सो ये मंदिर से लेके ये पूरा एरिया देख सकते हैं, ये ट्रेडर्स बाजार है। सो घोड़ा का बाजार, यहाँ पे चाइनीज, मंगोलियन, पोर्चुगल वो लोग का घोड़ा लेके आके यहाँ पे सेलिंग करता था। गर्भ मंदिर के अपोजिट तो गरुड़ स्तंभ रहना पड़ता है, और यहाँ पे गरुड़ स्तंभ ना यही रथ है, रथ के अंदर मानव रूप में गरुड़ भगवान है। पे टेल और लेग, एलिफेंट बैक साइड वो पूरा ध्वंस करके रखता है। कल्याण मंडप, द रॉयल फैमिली, सॉरी, सो भगवान का उत्सव मूर्ति रखे, प्रॉपर मूर्ति रखे मैरिज करने के लिए सर, कल्याण मंडप। सो मैरिज हॉल, और ये है गजयाली, आपको वहाँ पे दिखाया, और वेरी फेमस किंग द कृष्ण देवराय, और गले में अपडेटेड कोस्तंभ। सो ये गजयाली द द्राविडन आर्किटेक्ट, गजयाली मतलब एलिफेंट, हॉर्स बॉडी, लायन फेस। गाइड ने बताया था ये मंदिर में पहले पूजा होती थी, यहाँ पे विट्ठल भगवान विट्ठल का मूर्ति था, बट यहाँ से उसको स्थलांतर कर दिया है, यहाँ से उसको लेकर पंढरपुर में रख दिया है। तो पंढरपुर में आरती भी वैसे ही कन्नड़े विट्ठल ऐसा कुछ शुरू होता है ना, कन्नड़े पांडुरंग विट्ठल ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो कुछ है नहीं, खाली है पूरा।
अरे छोटे छोटे बैट बहुत है, बहुत सारा बैट है यहाँ पे, देख सकते हैं वेल है और ये पानी के लिए लाइट सिस्टम, पहले लाइट नहीं रहता था और यहाँ पे पानी रहेगा ना, ऊपर का होल के सूर्य की किरण नीचे गिरेगा ना पानी के ऊपर और वो रिफ्लेक्स होता है ना जब ये लाइटिंग सिस्टम रहता है ऐसे। अभी अंधेरा है, देखने लगा भाई ऐसा सब है ना, मैं सुना है खाली कि ऐसा सब रहता है, अंडरग्राउंड है ना, और ये बहुत अलग ही चीज है, इधर से पानी गिरता है, पानी इधर गिरेगा, रोशनी से पानी का रिफ्लेक्शन, फिर इधर लाइट आएगा, भाई क्या मतलब दिमाग ही है, मतलब ऐसा मतलब आप अभी भी नहीं सोच पाते। पूरा अंधेरा है और ऐसी चीजें हम लोगों ने खाली सुनी हुई होती है, आज मैंने देखा है। अच्छा अंदर जो मंदिर में नारियल वगैरह फोड़ते हैं या दूध भी ना, वो सब इधर से आता है। तो हम लोगों ने 4-5 मॉन्यूमेंट्स देख लिए, उसके बाद अभी जा रहे हैं बिकॉज ज़रा भी एनर्जी नहीं है और खाया पिया भी कुछ नहीं है, पैस भी लगा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है और अच्छा हम लोगों ने एक गाइड ले लिया बिकॉज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली जो कि हम लोग को कभी पता भी नहीं चलती। और गाइड यहाँ पे कुछ अराउंड 1500 से 2000 रुपये चार्ज करता है, डिपेंड करता है आप उसके साथ कैसे बार्गेनिंग करते हो। बाकी तो बहुत मज़ा आया, जो भी रह गया वो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे कभी भी तभी एक्सप्लोर करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे बिकॉज अभी तो आज ही हालत इतना खराब हो गया है, खाना पीना कुछ भी नहीं मिला, ऐसा भी एक दिन का जगह है ही नहीं, मैं आपको ही डिफेम करते हैं आपके ब्लॉग में, अगर आना है तो कम से कम 2 दिन तो आओ। ये नहीं रुक रहे हैं एक्चुअली, हमने बहुत सोच के रुकने के लिए कि आपको कुछ और अच्छा नया दिखा सके, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा अभी, वो शौक नहीं रख रहे आपको कुछ अच्छा दिखाने का। इसी प्रकार शाम के 4:30-5:15 बज चुके हैं, हम लोग का हम्पी घूम के हो गया, पूरा नहीं घूमे हम लोग, जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करने की कोशिश की, जो जो मेन मेन स्पॉट थे। तो वैसे वहाँ पे 82 या 83 मॉन्यूमेंट्स है जो एक्सप्लोर करने थे, पर इतना हो नहीं सकता एक दिन में। अभी कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ अभी आते टाइम एक छाछ पिया है, थोड़ा पानी पी लिया है, अभी देखते हैं कहीं पर कुछ रुक के कुछ खा लेते। देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, ये थोड़ा बंदा बीच में आ रहा है, एक पेड़ है और पेड़ के बाजू में सनसेट हो रहा है, इससे बेस्ट सनसेट नहीं मिलेगा, लकीली मिल गया जगह पे, हम लोगों ने वीडियो भी खींचा। अभी निकलते बिकॉज 218 किलोमीटर दूर जाना है अपने को। आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सनसेट है, ब्यूटीफुल, काश और थोड़ा रुक सकते, पूरा सनसेट होने तक मुझे देखना था बट टाइम नहीं है, निकलना है, रात को जाके सोना है अच्छे से, कल सुबह मुंबई के लिए वापस निकलना है बिकॉज आज बहुत थक चुके हैं और बहुत हम लोगों ने शूट किया हुआ है। तो मैं भी कुछ रिकॉर्ड नहीं करूंगा, अभी मैं सीधा आपको रूम पे मिलूंगा बिकॉज अभी कुछ रिकॉर्ड करने लायक है नहीं, सेम चीज़ मैं दिखाऊंगा तो उसमें मज़ा नहीं आएगा।